आज के समय में घड़ी पहनना भले ही लोगों का शौक बन चुका हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब कुछ गिने चुने और अमीर लोगों के पास ही घड़ियां हुआ करती थी और वो उसे पहनना अपनी शान समझते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि जो घड़ी अब आम हो गई है उसे दुनिया में सबसे पहले किसने बनाया था और वो घड़ी कैसी दिखती थी? आज हम आपको इसी से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहे हैं जो आपको भी हैरान कर देंगी। दुनिया की सबसे पहली घड़ी को पोमेंडर वॉच ऑफ 1505 या वॉच 1505 के नाम से जाना जाता है। इसे जर्मन आविष्कारक पीटर हैनलन ने बनाया था और उन्हें ही दुनिया का सबसे पहला घड़ी निर्माता भी माना जाता है। पीटर हैनलन ने इस घड़ी को करीब 515 साल पहले यानी 1505 में बनाया था। किसी सेब के आकार की पोमेंडर घड़ी आखिर कैसे दुनिया के सामने आई, इसकी कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। कहते हैं साल 1987 में घड़ी बनाने वाले एक युवक ने लंदन के कबाड़ी से मार्केट से 10 पाउंड यानी आज के हिसाब से करीब 947 रुपए में पोमेंडर को खरीदा था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो दुनिया की सबसे पहली घड़ी है। उसने उस घड़ी को कई सालों तक अपने पास रखा और फिर साल 2002 में उसने उसे किसी और को बेच दिया। अब जिसने उस घड़ी को खरीदा उसे भी इसकी कीमत का पता नहीं था, इसलिए उसने भी उसे किसी और को बेच दिया। आखिरकार जब पोमेंडर घड़ी एक शोध करने वाले युवक के हाथ लगी तब जाकर इसे दुनिया भर में पहचान मिली। उस घड़ी पर उसे बनाने का साल भी लिखा हुआ था और उस पर उसके आविष्कारक यानी पीटर हैनलन के हस्ताक्षर भी थे। बताया जाता है कि ये घड़ी पीटर हैनलन की निजी घड़ी थी जिसे वो हमेशा अपने पास रखते थे। दुनिया की सबसे पहली घड़ी की खास बात यह है कि ये कॉपर और सोने से बनी है। आज के समय में इस घड़ी की कीमत 50 से 80 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 381 करोड़ रुपए से 611 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। ये अनुमान साल 2014 में अमेरिका की मशहूर एंटीक वीक मैगजीन ने लगाया था। दुनिया की पहली घड़ी बनने के बाद सिलसिला यहीं नहीं रुका, लोग इस तरह की घड़ी को अपनी जेब में लेकर घूमने लगे। लेकिन इस बीच एक शख्स ऐसा भी था जो जेब में रखने वाली घड़ी को रस्सी से कलाई में बांधता था। ये थे जाने माने फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल। ये वही ब्लेज पास्कल हैं जिन्हें कैलकुलेटर का आविष्कारक भी माना जाता है। लगभग 1650 के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घूमते थे। ब्लेज पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध लिया ताकि वो काम करते समय घड़ी देख सकें। उनके कई साथियों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज हम सब हाथ में घड़ी पहनते हैं। विलक्षण प्रतिभा के धनी ब्लेज गणितज्ञ भी थे। एक बार उनके दांत में तेज दर्द हुआ, इससे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने गणित का एक सवाल हाथ में ले लिया। वो इसमें ऐसे डूबे कि 2 दिन तक दांत का दर्द भूल गए। उन्होंने सबसे पहले सिरिंज बनाई, इसकी सहायता से उन्होंने द्रव का दबाव स्थापित किया। उनके नाम पर पास्कल का नियम भी बना है। 39 वर्ष की अल्पायु में पास्कल का निधन हो गया था। अमर उजाला.com